हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको x के पावर 4 और 5 x माइनस 1 इनटू x माइनस 2 का यंथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू, इसको मान लो और इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर देखो x का हाईएस्ट डिग्री टर्म ऊपर कितना है, ऊपर हाईएस्ट डिग्री 4 है, और नीचे बात करें तो नीचे देखो हाईएस्ट डिग्री जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बनेगा, तो 4 में से 2 करोगे सबट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 2 मिलेगा। तो देखो जब भी x के हाईएस्ट डिग्री टर्म का डिफरेंस 2 होता है उस टाइम पे आप इसको किसको x के पावर 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 को क्या लिख सकते हो, इसको आप सिंपली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी अपॉन x माइनस ए प्लस ई अपॉन x माइनस 2 के बराबर लिख सकते हो, ठीक है। इसको बना दो आप इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यार पहले यहाँ पे प्रॉब्लम था क्योंकि ऊपर x के पावर 4 और नीचे x स्क्वायर बनता है उसका डिफरेंशिएशन, और वो भी यंथ टाइम, बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। लेकिन यहाँ देखो हमने ए बी सी डी ई के फॉर्म में तोड़ दिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन सभी जो भी हमने अपने से वेरिएबल माना है ये सभी ए बी सी डी ई को, उनका वैल्यू निकाल लेंगे, और वैल्यू निकाल के क्या करेंगे उसका यंथ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल लेंगे, जो बहुत सिंपल होगा, ठीक है। तो हम करते क्या है, अपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई यक्स यक्स माइनस 1 इंटू यक्स माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये नीचे वाले कट जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा x के पावर 4 बचेगा। राइट हैंड साइड की बात करें तो यही सब मल्टीप्लाई करो हर जगह, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर और साथ में क्या x माइनस 1 x माइनस 2, फिर b में बात करें तो b x है और उसके साथ x माइनस 1 और x माइनस 2 प्लस c के साथ में क्या x माइनस 1 x माइनस 2, और यहाँ पे d में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x माइनस 1 नीचे है तो ये वाला तो कट जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ ये वाला, तो प्लस d इंटू में क्या x माइनस 2, e में क्या है नीचे x माइनस 2 है तो उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला कैंसिल होगा, ये बचेगा तो क्या मिलेगा प्लस e इंटू में क्या x माइनस 1, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, देखो पहले सबको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले आप ये जो हमने माना था इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो x माइनस 1 इंटू में x माइनस 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर और क्या ये इसमें करोगे तो ये माइनस 2x बनेगा, इसमें करोगे तो माइनस x बनेगा और प्लस 2 बनेगा, मतलब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बनने वाला है, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमने ये ब्रैकेट बनाया है x माइनस 1 x माइनस 2 उसकी जगह क्या ये वैल्यू यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हर जगह उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे भी, ठीक है, इन तीनों जगह, क्योंकि और देखो यहाँ d और e में सिर्फ x माइनस 2 और x माइनस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और यहाँ पे भी क्या x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये प्लस और c के साथ भी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब क्या करो, सबको अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में x की पावर 4 है, उसको वैसे का वैसे रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, ए एक्स की पावर 4 माइनस 3 और यहाँ पे a और यहाँ पे x है x स्क्वायर, तो 3x 3ax क्यूब बनेगा और क्या प्लस 2ax स्क्वायर बनेगा। फिर इसकी बात करें तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, बी एक्स क्यूब माइनस 3 और क्या b और क्या x यहाँ पे x यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 है तो प्लस 2bx, ठीक है। और c की बात करें तो लास्ट में दिख रहा थोड़ा सा कट गया ना, चलो तो अब नीचे लिखते हैं। देखो यहाँ पे e है, e के साथ x माइनस 1 मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो देखो 2bx हो गया, कहाँ तक किया था, हाँ ये वाला। अब c की बात करते हैं तो प्लस c, अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है तो पहले x स्क्वायर फिर क्या माइनस 3cx प्लस 2c प्लस d के साथ क्या है x मल्टीप्लाई में है तो dx और माइनस 2d, ठीक है। और लास्ट में e भी है तो ex प्लस और क्या माइनस e मिलेगा, ठीक है, इतना मिल गया। अब करते क्या है, देखो ये बीच बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन, मतलब क्या है? इसके लेफ्ट हैंड साइड का कोफिशियंट और राइट हैंड साइड का जो भी कोफिशियंट है, कोफिशियंट किसका, x के पावर 4 का कोफिशियंट, x के पावर 3 का कोफिशियंट, x का स्क्वायर का कोफिशियंट और क्या, और आपके x का कोफिशियंट और जो भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट देखो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे e कांस्टेंट है
और कहीं कांस्टेंट, देखो यहाँ 2c कांस्टेंट है, और भी मिलेंगे ठीक है। और ये जितने भी कांस्टेंट टर्म है अगर इनके बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, मतलब दोनों साइड इनका कोफिशियंट का वैल्यू तो सेम होने वाला है ठीक है। तो करते क्या है, जितने भी कोफिशियंट है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड उनको इक्वल करके ए बी सी डी ई का वैल्यू निकालते हैं ठीक है। तो देखो पहले इतना नोट करो ठीक है। तो चलो उससे पहले एक और काम कर लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ये जो अलग अलग वाले टर्म है उनको साथ में लिख लेते हैं ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर के पावर 4 है, राइट हैंड साइड में पहले एक्स के पावर 4 को कॉमन निकालो। तो एक्स के पावर 4 को कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से ए मिलेगा और कहीं एक्स के पावर 4 और कहीं नहीं है, तो वो सिर्फ उतना ही रुकेगा प्लस। अब एक्स क्यूब को कॉमन निकालो तो एक्स क्यूब कहाँ पर है, यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस 3a मिलेगा। और कहीं पे है, ये हो गया और ये हो गया। एक्स क्यूब कहाँ पर है, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, बी एक्स क्यूब है, तो प्लस b मिलेगा। और कहीं एक्स क्यूब और कहीं नहीं है ठीक है। तो फिर क्या करो, अब एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, तो एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2a मिलेगा। और कहाँ पे है, यहाँ पे, तो माइनस 3b यहाँ से मिलेगा, माइनस 3b। और कहाँ कहीं पे है, हाँ यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस c मिलेगा ठीक है। और उसके बाद क्या है, डी एक्स स्क्वायर हो गया, अब एक्स कॉमन निकालो, तो प्लस एक्स कॉमन निकाले तो एक्स यहाँ से, यहाँ का कोफिशियंट कितना है, 2b। और कहीं एक्स है, ये तो हो गया था, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, माइनस 3c है, और क्या, और यहाँ पे प्लस d है और प्लस e है, तो प्लस d प्लस e, ये किसके कोफिशियंट है, एक्स के कोफिशियंट है ठीक है। ये हो गया यक्स, और क्या, ये हो गया निकल गया, और ये निकल गया, और ये निकल गया। उसके बाद सिर्फ कांस्टेंट टर्म बच रहा है, तो कांस्टेंट क्या क्या है, 2c है और माइनस 2d है और माइनस e है ठीक है। तो अब सिंपली क्या करते हैं, जितने भी लेफ्ट हैंड साइड के कोफिशियंट के कोफिशियंट है और राइट हैंड साइड के कोफिशियंट, उनको इक्वल इक्वल करके ए बी सी डी ई का वैल्यू निकालते हैं ठीक है। तो देखो पहले एक्स के पावर 4 के कोफिशियंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक्स के पावर 4 का कोफिशियंट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में क्या है, ए है, मतलब क्या, ए का वैल्यू 1 आ गया ठीक है। और फिर क्या बात करेंगे एक्स क्यूब के बारे में, तो देखो यार यहाँ पे सिर्फ एक्स के पावर 4 है, मतलब आगे वाले जितने भी टर्म है, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स जितने भी है, उनका कोफिशियंट यहाँ पे 0 है ठीक है ना। जो एक्स के पावर 4 है उसको आप कैसा लिख सकते हो, एक्स के पावर 4 और एक्स क्यूब का टर्म अगर ले ले तो एक्स क्यूब इंटू 0 ऐसा ही लिखा होगा, और क्या, एक्स स्क्वायर इंटू 0। तभी ना यार हम बोल रहे हैं कि जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में ये सभी टर्म आने वाले हैं उनका कोफिशिएंट 0 है ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 को इक्वल रख के हम इसको, इसका वैल्यू एक्स क्यूब के कोफिशिएंट का वैल्यू राइट हैंड साइड में ये लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में 0 रख के इसका वैल्यू निकालेंगे ठीक है। एक सेकेंड रुको, चलो आगे की बात करते हैं। हमारे पास क्या मिला, ए का वैल्यू 1 मिला, उसको साइड में लिख लो ठीक है। अब फिर क्या बात करते हैं, फिर बात कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब के बारे में। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में कितना है, बी माइनस 3a है ठीक है, आगे पीछे कर दिया। ए का वैल्यू कितना निकला, 1 निकला, तो यहाँ पे ये 1 कर दो, मतलब बी का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया, तो यहाँ पे बी का वैल्यू लिख लो, 3 आ गया। अब फिर बात करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बारे में। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, 0 होगा, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2a माइनस 3b प्लस c है ठीक है। तो देखो a का वैल्यू 1 था और b का वैल्यू 3 है, तो 3 3 9 यहां पे हो जाएगा, और क्या, प्लस c, तो यहां पे ये माइनस 7 और प्लस c, मतलब क्या, c का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, तो c इज इक्वल टू 7 लिख लो ठीक है। इतना हो गया। फिर देखो क्या करते हैं, उसके बाद क्या है, x का वैल्यू निकालना है ठीक है। तो देखो x का वैल्यू का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में 0 होगा और राइट हैंड साइड में कितना है, 2b माइनस 3c प्लस d प्लस e है ठीक है, प्लस e है ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, इसमें जो भी वैल्यू हमारे पास अभी तक निकला है पहले उतनों को रख लो ठीक है। b का वैल्यू कितना निकला है, 3, तो 2 3 6 यहाँ पे हो जाएगा। c का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 21 हो जाएगा। तो ये कितना आया, इसको घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, माइनस 15 मिलेगा और प्लस डी प्लस ई है ठीक है। तो सिंपली आप डी प्लस ई इज इक्वल टू 15 लिख के साइड में रख लो ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, बाद में इसका वैल्यू कहीं पे यूज करेंगे, यहाँ से डी का वैल्यू मिलेगा और फिर क्या करेंगे, डी का वैल्यू किसमें रख देंगे, तो हमको ई का वैल्यू भी मिल जाएगा ठीक है। इसको यहाँ पे साइड में रख लो ठीक है। अब बात करते हैं कांस्टेंट टर्म के कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट के बारे में ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट का कोफिशिएंट कितना होगा, 0 और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या है, 2c माइनस 2d
माइनस ई है, ठीक है। सी का वैल्यू कितना है, 7 है, तो 7 × 2 = 14, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 14 और माइनस 2d, और ई की जगह क्या करो, ई की जगह आप 15 माइनस डी को यहाँ पे यूज कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 माइनस डी, तो यहाँ से क्या मिला, 14 माइनस 2d माइनस 15, और ये माइनस माइनस प्लस डी, ठीक है। तो माइनस 2d प्लस dt मतलब 14 माइनस डी माइनस 15, तो मतलब यहाँ से क्या मिला आपको, माइनस डी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से क्या मिला, d का वैल्यू माइनस 1 के बराबर मिल गया, ठीक है। तो क्या करो, d का वैल्यू माइनस 1 लिख लो यहाँ पे, d का वैल्यू कितना आया, माइनस 1। अब d का वैल्यू माइनस 1 इसमें यूज कर लो, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, माइनस 1 प्लस e इज इक्वल टू 15, तो माइनस 1 को उधर भेजोगे तो e का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। तो e कितना आ गया, 16। देखो a b c d e सभी कोफिशिएंट जो थे, जितना जो हमने अपने से माना था, सबका वैल्यू आ चुका है, ठीक है। अब करते क्या है, उसको अपने इक्वेशन जो हमने बनाया था उसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार इक्वेशन लिख लिया जाए, तो देखो पहले यहाँ पे क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में एक सेकेंड, x के पावर 4 अपान एक सेकेंड, देखिए क्या था, x माइनस 1 और x माइनस 2 था। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या बनाया था, उसको हमने उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी अपान यक्स माइनस ए प्लस ई अपान यक्स माइनस 2 बनाया था, ठीक है। और इसको हमने क्या माना था, वाई के इक्वल माना था, ठीक है। तो अब इसको भूल जाओ, हमारा इक्वेशन इसके अंदर सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो अब लिखते हैं पहले, वाई इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यक्स स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 3 है, तो 3x। सी का वैल्यू कितना है, 7, तो 7। और डी का वैल्यू कितना है, देखो प्लस डी का वैल्यू कितना है, माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 और क्या, अपान यक्स माइनस 1, ठीक है। और ई का वैल्यू कितना है, 16, तो प्लस 16 अपान यक्स माइनस 2, ठीक है। अब देखो ये वाई का वैल्यू है, अगर हम क्या करें, इसको यन टाइम यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो हमको वाई यन नहीं मिल जाएगा, और वही हमको निकालना है, यन डिफरेंशियल कोफिशिएंट करेंगे क्या, सबको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब हम dn ऑफ x स्क्वायर निकाल लेंगे, और क्या dn ऑफ 3x निकाल लेंगे, और क्या dn ऑफ 7 निकाल लेंगे, और क्या dn ऑफ ये माइनस 1 था, माइनस बाहर निकाला है ना, तो यहाँ पे 1 को छोड़ो और x माइनस 1 को ऊपर ले जाओ तो क्या बनेगा, x माइनस 1 के पावर माइनस 1 ये निकाल लेंगे, और क्या प्लस dn ऑफ 16, तो कॉन्स्टेंट नंबर है उसको बाहर कर लेना, और क्या x माइनस 2 को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस 2 के पावर माइनस 1, इतना तो हमको आता ही है, ax प्लस b के पावर माइनस 1 का सिंपली फॉर्मूला हमने प्रूफ भी किया था, वो जगह यूज भी किया था। देखो होगा क्या, ये कांस्टेंट टर्म है तो ये तो जीरो हो जाएगा, और देखो इसकी और इसकी बात करें, नीचे दिख रहा है ना, हाँ देखो एक सेकेंड, देखो हमारे पास पहले x स्क्वायर है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर अलग निकालते हैं, ठीक है। इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, yn, नीचे दिखेगा, चलो यहाँ पे देख लो, तो देखो एक बार डिफरेंशिएट करोगे y स्क्वायर टू x स्क्वायर को तो क्या मिलेगा, y1, उसका वैल्यू कितना आएगा, 2x। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो y2 मिलेगा, उसका वैल्यू 2। अब y3 करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, मतलब जब आप yn dn ऑफ x स्क्वायर निकालोगे तो ये वैल्यू भी जीरो आने वाली है। अब फिर बात करें इसकी, dn ऑफ 3x, ठीक है। तो देखो y इज इक्वल टू 3x है, ठीक है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो yn मिलेगा, जिसका वैल्यू कितना है, 3 है। अब y2 करोगे तो ये अपने आप जीरो होने वाला है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो देखो यार अब क्या बोल सकते हो, ये भी यंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसका भी वैल्यू जीरो होने वाला है, मतलब बचा के हमारे पास सिर्फ यहाँ पे दो टर्म मिले, ठीक है। तो उनको लिख लिया जाए, पहले एक नोट करो थोड़ा सा ऊपर का, सब गायब करते हैं, ठीक है, नोट करो। चलो तो देखो हमारे पास सिर्फ बचा क्या, ये दो टर्म जिनका हमको डिफरेंशिएशन करना है, और हमको nth differential coefficient of ax plus b के पावर माइनस 1 का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, हमने प्रूफ भी किया था, आप देख सकते हो। तो किसके बराबर होता है, माइनस 1 के पावर n, n factorial into a के पावर n अपान ax plus b के पावर n plus 1 के बराबर, ठीक है। तो देखो ये बन तो रहा है उसी फॉर्म का, देखो एक सेकेंड, तो देखो यहाँ पे ax plus b के फॉर्म का, यहाँ पे भी ax plus b के फॉर्म का, अरे यार x माइनस 1 है तो इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते, x प्लस माइनस 1 ऐसा लिख सकते हो ना। तो देखो यहाँ पे ax प्लस b की जगह कितना है, माइनस 1 है, इतना मत
दिमाग पे लोड लो, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेना, इसको अलग से, ठीक है। तो पहले इस पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा माइनस वन के पावर एन, एन फैक्टोरियल और ए के पावर एन। तो देखो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, वन है, जो भी एक्स के साथ कोफिशियंट होता है वो ए का वैल्यू होता है, ए का वैल्यू वन, तो वन के पावर एन करोगे तो मतलब वन ही मिलने वाला है, उसको छोड़ दो। फिर जो चीज होता है वो नीचे आता है, उसके पावर एन प्लस वन होता है, तो है क्या, x माइनस वन है, उसके पावर n प्लस वन हो गया, प्लस यहाँ पे कहीं पे माइनस साइन था ना, कहीं पे कुछ माइनस साइन था इसमें शायद, था माइनस ना, हाँ एक सेकंड देख लिया जाए, छूट रहा है शायद, हाँ इसमें देखो यार यहाँ पे थोड़ा सा माइनस साइन भी था, ठीक है। तो माइनस वन मतलब माइनस का साइन को बाहर रखे रहो, बाद में क्या कर लेंगे हम, यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो तो फिर क्या इसकी बात करते हैं, तो सर इसमें क्या है, सोलह बाहर कॉन्स्टेंट नंबर है, उसको छोड़ दो, इसको बात करो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस वन के पावर एन, एन फैक्टोरियल और ए के पावर एन। तो यहाँ पे ए का वैल्यू वन है और नीचे तो ए का वैल्यू वन, तो मतलब ए के पावर एन मतलब वन, उसको छोड़ दो। फिर क्या मिलेगा, एक्स माइनस टू के पावर एन प्लस वन, ठीक है। तो देखो ये सोलह और ये पॉजिटिव टर्म है और यहाँ पे ये माइनस वाला निगेटिव टर्म है, तो इसको आगे लिख लेना, इसको पीछे कर देना और कॉमन क्या निकल रहा है उसको भी बाहर कर लो, ठीक है। तो कॉमन क्या निकल रहा है, माइनस वन के पावर एन, एन फैक्टोरियल कॉमन निकला, अंदर क्या मिलेगा 16 और क्या अपान में है x माइनस टू के पावर n प्लस वन, और क्या यहाँ से ये माइनस मिला था ये वाला, और क्या मिलेगा 1 अपान x माइनस वन के पावर n प्लस वन। बुक में अगर यहाँ तक दिया है तो यहाँ तक रोक दो, अगर क्या किया है x माइनस टू ये जो नीचे है इसको ऊपर कर रही है तो ऊपर कर दो, ऊपर करोगे तो क्या बनेगा, x माइनस टू के पावर माइनस एन माइनस वन बनेगा, ठीक है। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। जो हमारा nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट x के पावर फोर अपॉन x माइनस वन x माइनस टू था वो आया इतना, ठीक है, नोट कर लो।